मैं रेखा जैन और आप देख रहे हैं जालौर जन समय न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जालौर में मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। इमाम हुसैन की याद में मनाया मुहर्रम, नहीं निकाला जुलूस। शहर में तेज बारिश का दौर जारी। रसोई गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसा टला। वृक्षारोपण का कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केडी ग्रुप ने धूमधाम से किया गणपति विसर्जन। हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर भाजपा की बैठक संपन्न। पीने के पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान। भाजपा जिला कार्यालय ने सुनी पीएम की मन की बात। और नाकोड़ा मार्ग क्षतिग्रस्त, वाहन चालक परेशान। अब समाचार विस्तार से। जालौर में मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिले में आगामी दिवसों में मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए पुनः अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग की भारी वर्षा की चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए तथा आमजन को जल भराव वाले स्थान के साथ नदी नालों और रपट वाले स्थानों से दूर रहने एवं सावधानी बरतने की अपील की। भारी बारिश के दौरान घर से बाहर न निकलें तथा सावधानियां बरतें जिससे न किसी प्रकार की जनहानि हो। आमजन बहती नदियों नालों रपटों और जल भराव वाले स्थानों से दूर रहे। इमाम हुसैन की याद में मनाया मुहर्रम, नहीं निकाला जुलूस। यूनुस खान की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस प्रशासन कोरोना महामारी बीमारी व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम की आशुरा की रात को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन की याद में आशुरा की रात को इमाम हुसैन से कोरोना महामारी बीमारी को मिटाने व हिंदुस्तान में अमन चैन की दुआ मांगी। इसी के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। वहीं इमाम हुसैन हसन शहीद की याद में दो ताजिए मनाए गए। इस बार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन व कोरोना महामारी बीमारी को ध्यान में रखते हुए जुलूस नहीं निकाला गया। वहीं नूर शाह पीर दरगाह पर इमाम बाड़े की ताजिए को रखा गया जहां मुस्लिम भाइयों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हिंदुस्तान में अमन चैन व कोरोना महामारी बीमारी को मिटाने की दुआ मांगी। शहर में तेज बारिश का दौर जारी। ध्यानचंद अदालत की रिपोर्ट के अनुसार शहर में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं बरसात होने के कारण सियाणा क्षेत्र के सुकड़ी खारी बाड़ी नदी सहित नालों में पानी बहने लग गए हैं। पर नदियों को देखते हुए नदी के किनारे लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नदी नालों के आसपास बेरे वालों के कुएं का जल स्तर बढ़ जाएगा और अच्छी फसल की पैदावार होगी। बरसात होने व नदी आने के कारण किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई है। वहीं राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार सुबह से ही बादलों का डेरा डाल दिया गया था। सुबह से ही दिन भर जमकर बारिश, रविवार को आसमान में बादलों की आवाज जारी रहने के साथ रिमझिम का दौर जारी है। मौसम सुहावना हो गया है। जानकारी के अनुसार बीटन बांध में 11 फीट आवक शुरू हो गई है। वहीं सिंदरा बांध में भी पानी शुरू हो गया है। खेतों में फसल लहराने लगी है। रसोई गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसा टला। भगवानाराम मेघवाल की जानकारी के अनुसार स्थानीय मेघवालों के मोहल्ले में रसोई गैस सिलेंडर में हुए रिसाव से उसमें आग लग गई। सिलेंडर में लगी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। वहीं बड़ा हादसा टल गया। वार्ड 13 निवासी वरदाराम मेघवाल के घर में शाम को उनकी पत्नी खाना बना रही थी। इसी के दौरान रसोई गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से उसमें आग पकड़ ली। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय समाज सेवी और वार्ड पंच ने वहां पहुंचकर सबसे पहले सिलेंडर को बिस्तर से ढककर आग पर काबू पाया और सिलेंडर को खींचकर रसोई से बाहर फेंका और हादसा होते हुए टल गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार शहर के बागेश्वर महादेव मंदिर में पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया।
महंत प्रेमगिरी के सानिध्य में बागेश्वर मठ प्रांगण में पौधों का रोपण किया गया, वहीं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली गई। इसी के दौरान जापाराम घाची, अकबालाल मिश्रीमल, जेठमल सेन, मिट्टू भाई लुम्बाराम सहित पर्यावरण प्रेमी मौजूद थे। इसी प्रकार महिपाल सिंह की जानकारी के अनुसार श्री राम सेना संखवाली द्वारा शंखवाली गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के दौरान कार्यक्रम में महिपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, हितेश सिंह, पारस सिंह, ईश्वर सिंह, चंदन सिंह, कमलेश सिंह मौजूद थे। केड़ी ग्रुप ने धूमधाम से किया गणपति विसर्जन। जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार धानसा गांव में केड़ी ग्रुप व गणपति युवा मंडल द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ आज गणपति बाप्पा का विसर्जन किया गया। जानकारी के अनुसार धानसा गांव में आज गणेश महोत्सव की धूम रही। वहीं इस वर्ष की भांति हर वर्ष सभी केड़ी ग्रुप के सभी भाइयों ने भाग लिया एवं गणेश प्रतिमा को पूरे गाँव में धूमधाम से बरगोड़ा निकाला गया। केड़ी ग्रुप के युवाओं ने बताया कि 8 दिन की प्रतिमा स्थापित की गई थी। हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर भाजपा की बैठक संपन्न। सुरेश सोलंकी की जानकारी के अनुसार जालौन शहर की भाजपा जिला कार्यालय में जालौन नगर एवं ग्रामीण मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी मंगल सिंह सिराणा के कार्यकर्ताओं को हल्ला बोल कार्यक्रम के निमित्त आयोजन होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई तथा 31 अगस्त को बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर और बिजली घर में जाकर ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं 2 सितंबर को उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला प्रतिनिधि राजकुमार चौहान, पूर्व नगर अध्यक्ष ओटाराम सोलंकी, नगर उपाध्यक्ष मंगलाराम सांखला, हेमेंद्र सिंह बगेड़िया सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी प्रकार भरत सोनी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जालौन द्वारा आगामी 31 अगस्त को राजकीय सरकार द्वारा बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का विरोध करने को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन करने को लेकर भिनमार में बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह रावपुरली ने बताया कि भाजपा जालौन के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की अनैतिक नीतियों, बिजली के बिलों में लगातार वृद्धि के खिलाफ GSS, JEE व XEE को ज्ञापन दिया जाएगा एवं नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पीने के पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान। नाग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार बैरठ में पिछले काफी वर्षा से गिरते भूजल को लेकर आए दिन गाँव में पीने के पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही जलापूर्ति टैंकरों के द्वारा मुंह मांगी कीमत देकर करवानी पड़ रही है एवं समस्या की निजात हेतु पानी की ट्यूबवेल को लेकर बैरठ ग्राम पंचायत सरपंच शैल सिंह राजपुरोहित की प्रयास से सरकारी योजना एवं भामाशाह के सहयोग मीना बैर पर पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ ईश्वरनाथ महाराज, भैरवनाथ अखाड़ा, जालौर व बैरठ कलापुरा के ग्रामीणों के कर कमलों से पानी की ट्यूबवेल का मुहूर्त किया गया। भाजपा जिला कार्यालय में सुनी पीएम की मन की बात। सुरेश सोलंकी की जानकारी के अनुसार सभी मंडलों में जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव व मन की बात जिला संयोजक नगर अध्यक्ष जालौन अधिवक्ता सुरेश सोलंकी के निर्देशानुसार मन की बात का प्रसारण किया गया। वहीं भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा नगर मंडल की पदाधिकारियों के द्वारा मन की बात कार्यक्रम को सुनी गई एवं नगर महामंत्री रतन सुथार ने बताया कि भाजपा जिला कार्यालय में मन की बात का प्रसारण जिला संयोजक व नगर अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश सोलंकी की अध्यक्षता में सुनी गई। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप से जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तन करना हम सबका दायित्व है। नाकोड़ा मार्ग क्षतिग्रस्त, वाहन चालक परेशान। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार शहर के नाकोड़ा मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क गड्ढों में पानी भर रहा है, जिसके चलते वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। शहर के मुख्य मार्गों भिनमार, बाईपास, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, द्वितीय चौरानु रोड सहित अन्य आवागमन वाले स्थानों पर गड्ढे पड़े हैं। वहीं आसपास के रहने वाले लोगों में गंदगी भरे भरा से बीमारियों पर डर भी सता रहा है एवं शहर वासियों ने कई बार जिला कलेक्टर व नगर परिषद PWD में ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं सुनी गई। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालौन शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौन।